हाँ जी सर, चलिए स्टार्ट करते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम तो आती रहेगी, दिमाग टाइम वेस्ट हो जाएगा सर। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है जी, तो हाँ मैं टेक्स्ट एक बार दोबारा से शुरू कर देता हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं था, तो दोबारा से कर देता हूँ। हाँ जी तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भाट टेक्स्ट का, इसमें क्या करता है कि कोई भी नंबर टू वर्ड कन्वर्जन करता है, पर ये थाई लैंग्वेज में होता है, तो इसका कोई यूज नहीं है, नॉलेज के लिए जान लेते हैं बस इसको। दूसरा है कैर का फॉर्मूला। कैर का फॉर्मूला क्या होता है, ASCII कोड्स होते हैं हमारे, अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड्स होते हैं कुछ, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इनफैक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज में जिस तरह से ये अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक्स को रीड करता है, उसको ASCII कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो कैर का फॉर्मूला क्या करता है, उस ASCII कोड को डालने पे हमें करेक्टर दे देता है। जिस तरह से ए का अगर हम कोड जानना चाहें तो कोड का फॉर्मूला है, तो ये 65 देता है। इसी तरह स्मॉल ए आप डालेंगे तो 97 का कोड होता है। ठीक है जी, कोर और कैर। बाकी देखते हैं कंकैटिनेट। मैंने आपको कंकैटिनेट ऑपरेटर के बारे में बताया था, उसी तरह से हमारे पास कंकैटिनेशन का फॉर्मूला होता है, कंकैटिनेट का, जिसमें आप टेक्स्ट को कंकैटिनेट कर सकते हैं रेफरेंसेस के थ्रू। अब मान लीजिए इसमें आपको अगर स्पेस डालना है, तो यहाँ कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कोई भी टेक्स्ट एंट्री देंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप स्पेस दे देंगे, कोई फॉर्मूला में कोई भी टेक्स्ट डालने के लिए आपको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में देना होता है, नंबर आप विदाउट इन्वर्टेड कॉमास के डाल सकते। तो कंकैटिनेट का फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं हम लोग। के बीच में कुछ भी नहीं डाले, खाली स्पेस देंगे तो भी चलेगा ना? नहीं जी, कंकैटिनेट जो एक्चुअली स्पेस जो है एक करेक्टर है। अच्छा, हाँ, और करेक्टर फॉर्मूला कैसे रिकॉग्नाइज करें, तो उसको फॉर्मूले में अभी तक हम क्या देते आए हैं, कंकैटिनेट है। हाँ तो हम रेफरेंस दे रहे हैं। अब रेफरेंस के बाद अगर स्पेस देना है तो इन्वर्टेड कॉमास के बीच में देना होगा, या तो डायरेक्ट। इन्वर्ट काम के बीच में, बरोबर। हाँ जी, तो इन्वर्टेड कॉमा जरूरी है, अदरवाइज रेफरेंस के बेस में दे सकते हैं, या तो एड्रेस देना पड़ेगा या इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट के लिए। दूसरा है डॉलर का फॉर्मूला। कोई भी नंबर है, डॉलर का फॉर्मूला डालते हैं। डॉलर का फॉर्मूला क्या करता है आपका, आप रेफरेंस ले सकते हैं और कितने डेसिमल तक चाहिए आपको, 2 डेसिमल तक चाहिए, आगे डॉलर लगा देगा और कुछ नहीं करेगा, 2 डेसिमल तक आपको वैल्यू दे देगा करेंसी में कन्वर्ट करके, इनफैक्ट डॉलर आगे लगा के एग्जैक्ट। देखिए कोई टेक्स्ट है हमारे पास, एक तो होता है कि हम इसको इक्वल टू ऐसे करके लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू मैच करा लें कि क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं। इसने बताया इक्वल है, पर डिफरेंस जो है वो केस का है, एक लोअर केस में एक अपर केस में। तो अगर आपको एग्जैक्ट एंट्री अगर मैच करानी है तो आप एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब केस भी करें तो उसके लिए एग्जैक्ट का फॉर्मूला यूज करें। 2 रेफरेंसेस दे दीजिए, अब बता रहा फाल्स, और जबकि ये इक्वल टू वाला ट्रू ही बताएगा। तो जब तक इसमें केस भी सेम ना हो तब तक ये आपको ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है फाइंड। अब फाइंड के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे एक केस लेते हैं, ये मेरा नाम है, मान लीजिए नाम है,
यहाँ पे मुझे निकालना है फर्स्ट नेम, मिडल नेम, और लास्ट नेम, ठीक है जी, ये निकालने हैं। अब फाइंड का फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करता है कि ये उसमें कहाँ पे है। सपोज मैंने फाइंड का फॉर्मूला लगाया और फाइंड, इसमें पहला पैरामीटर है फाइंड टेक्स्ट, मैंने कहा ए कहाँ पे है फाइंड करो, विद इन टेक्स्ट क्या है, सेकंड पैरामीटर किसमें से फाइंड करना है, इसमें, तो ये मुझे फाइंड करके दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि इसे ये स्मॉल ए तो कहीं नहीं मिला, कैपिटल ए सेकंड नंबर पे है, इसको इसकी इंडेक्स पोजीशन बोलेंगे, यहां से गिन के सेकंड पोजीशन पे ए दिखा रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फिफ्थ पे ये आपके दूसरी जगह भी है, तो इसने पहला वाला दिया, तो इसके अंदर एक और पैरामीटर है जो कि ऑप्शनल है, स्टार्ट नंबर, मतलब कहां से स्टार्ट करना है। अब हम सेकंड को छोड़ देते हैं, थर्ड से स्टार्ट करते हैं, बारहवें नंबर पे, तो यहां से बारहवें नंबर पे, इसमें कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है कि उनकी काउंटिंग स्टार्ट कहां से करनी है। अगर आप एक से स्टार्ट करते हैं काउंट करना, तो ये आपको पहले वाला ये देता है, और अगर आप तीन से करते हैं तो ये आपको दूसरा वाला देता है बारहवीं पोजीशन पर। अब देखिए, फर्स्ट नेम, फर्स्ट मिडल और लास्ट नेम निकालने के लिए मुझे क्या क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। पहले तो मुझे चाहिए कि फर्स्ट स्पेस कब आया, ठीक है ये। दूसरा मैं यूज करूंगा सेकंड स्पेस, तीसरा मैं यूज कर सकता हूं लेंथ, इसकी टोटल टेक्स्ट की लेंथ। तो तीनों चीजें कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्पेस हम करेंगे फाइंड, इसमें मैंने कहा स्पेस इन्वर्टेड कॉमास में, विद इन टेक्स्ट मैंने यहां से कर लिया, ठीक है जी। पहला बताया इसने आठवीं पोजीशन पे, सेकंड स्पेस मतलब कुमार के बाद का जो मैंने फाइंड करना है वो कैसे करना है, फाइंड मैंने दोबारा लगाया, स्पेस ही फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट इसमें फाइंड करना है, और स्टार्ट नंबर जो रहेगा, जो फर्स्ट स्पेस से जो नंबर निकला है, इसमें प्लस वन कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं आठ देता हूं तो वो आठ वाली जगह पे ही चिपक जाएगा, मतलब वहीं फाइंड करके दे देगा, पहले ही मिल जाएगा तो आगे क्यों जाएगा, तो प्लस वन इसलिए लगाया। तो पहला स्पेस आठवीं पोजीशन पे, दूसरा चौदहवीं पोजीशन पे, और टोटल लेंथ जो है एलईएन का फॉर्मूला है वो यहां से मिल जाएगा मुझे, टोटल लेंथ 19। इसी फॉर्मूला को अगर मैं नीचे कॉपी करूं तो ये उसके हिसाब से रिजल्ट दिखाएगा, यानी कि अब मेरी एंट्रीज सही स्पेस सही फाइंड कर रहा है। अब फाइनली फॉर्मूला, फर्स्ट नेम कैसे निकालेंगे, मिडल नेम कैसे निकालेंगे, लास्ट नेम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, लेफ्ट, मिड और राइट का। तो पहले लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट फर्स्ट नेम निकालने के लिए, लेफ्ट से वैल्यू फाइंड करता है, टेक्स्ट देंगे किसमें से फाइंड करना है और कितने कैरेक्टर चाहिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कहां से लेंगे, यहां से फर्स्ट स्पेस से, हालांकि ये फाइंड कर रहा है स्पेस, स्पेस आठवीं पोजीशन पे, नाम सात कैरेक्टर का है, तो क्या करेंगे माइनस वन कर देंगे, मतलब स्पेस माइनस वन कैरेक्टर चाहिए, ठीक है जी। पहला काम इसने कर दिया, इसका भी सही आ रहा है, स्पेस माइनस वन करेक्टर। उसी जगह पे राइट का फॉर्मूला लगाना है लास्ट नेम के लिए, ये क्या करता है राइट से करेक्टर, राइट से टेक्स्ट आपको लेके देता है, पैरामीटर सेम है, टेक्स्ट चूज करेंगे और कितने करेक्टर चाहिए कैसे निकालेंगे, लेंथ माइनस टोटल लेंथ जितनी भी होगी 19 है मान लीजिए, और सेकेंड स्पेस माइनस कर देंगे, तो लेंथ ये रही माइनस सेकंड स्पेस, ये आ गया। अब मिडल नेम, मिडल नेम के लिए क्या करेंगे,
पहले देखते हैं मिड लेता कितने पैरामीटर। ये कहता है कि टेक्स्ट स्टार्ट कहां से करना है और कितने कैरेक्टर लेने हैं। तो स्टार्टिंग क्या रहेगी, फर्स्ट स्पेस प्लस वन, क्योंकि हम फर्स्ट नेम के लिए यहां से माइनस वन करके ले रहे थे, अब ये दूसरा लेना है तो प्लस वन करके लेना है। ठीक है जी। देन कितने कैरेक्टर लेने हैं, तो कैरेक्टर जो लेने हैं वो टोटल लेंथ में ना सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, आई थिंक माइनस वन और आएगा। ठीक है जी, क्योंकि स्पेस स्पेस एक आठवीं पोजीशन पे एक चौदहवीं पोजीशन पे तो वो ज्यादा ही हो रहा है ना, बीच में चौदह में से आठ गए कितने निकलते छः, जबकि करेक्टर इधर पांच है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस वन, यहां देखेंगे तो इसमें कोई कंफ्यूजन, तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम निकाल लिए हमने इन फॉर्मूले की मदद से। एक बार फिर से फॉर्मूला इंट्रो दे देता हूं मैं आपको। लेफ्ट में मैंने क्या किया, लेफ्ट में हमारा पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, फिर कितने कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर के लिए क्या किया मैंने, फर्स्ट स्पेस माइनस वन, लास्ट नेम के लिए राइट में से राइट का फॉर्मूला लगाया जिसमें पहला पैरामीटर है टेक्स्ट और देन लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस। मिडल नेम के लिए क्या किया मैंने, मिडल नेम में तीन पैरामीटर लेता है, पहला टेक्स्ट स्टार्ट कहां से करना है, फर्स्ट स्पेस प्लस वन और देन कितने कैरेक्टर चाहिए, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस माइनस वन। ठीक है जी, तो ये तीन फॉर्मूले हैं। स्पेस फाइंड करने के लिए मैंने फाइंड का फॉर्मूला लगाया, सेकंड स्पेस फाइंड करने के लिए मैंने फाइंड का फॉर्मूला लगाया है, बट जो पहला स्पेस फाइंड किया उसमें प्लस वन कर दिया है स्टार्ट नंबर में। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला कंबाइंड कर देते हैं। फॉर्मूले को अब कंबाइंड कर देते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाया था मैंने फाइंड का, यहां फर्स्ट स्पेस के लिए, यहां तो कोई जरूरत नहीं है मुझे करने की। नेक्स्ट चलते हैं इस पे सेकंड स्पेस वाले पे, सेकंड स्पेस वाले पे हम देख रहे हैं कि इसका रेफरेंस यूज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको यहां से कॉपी कर लेंगे और जहां इसका रेफरेंस यूज हो रहा है कहां हो रहा है, H2 में यहां पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्पेस फ्री हो गया, सेकंड स्पेस का फॉर्मूला इंडिविजुअल हो गया, लेंथ का है ही। अब क्या करेंगे, लेफ्ट के फॉर्मूला में मैं फर्स्ट स्पेस का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्पेस का यहां से फॉर्मूला कॉपी करूंगा और यहां जहां H2 लिखा है वहां वो फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, तो मेरा ये फॉर्मूला फ्री हो गया अपने आप में। देन मिडल नेम में मैंने क्या क्या यूज किया है, यहां पे देख रहे हैं हम फर्स्ट स्पेस भी कर रहा है सेकंड स्पेस भी कर रहा है, तो फर्स्ट स्पेस का पहले फॉर्मूला किया H2 जहां भी लिखा हो इसमें H2, एक यहां लिखा है और एक यहां लिखा है, ये हो गया। सेकंड स्पेस का यूज कर रहा है मतलब I2 उसका एड्रेस है, इसको मैं डाल दूंगा मिडल नेम में I2, ये रहा, ये भी फ्री हो गया। लास्ट में मैं क्या यूज कर रहा हूं, लेंथ और सेकंड स्पेस, तो J2 माइनस I2, J2 का फॉर्मूला कॉपी किया मैंने और यहां J2 में डाल दिया,
आई टू का फॉर्मूला कॉपी किया और आई टू में डाल दिया। तो अब इन सब की मुझे जरूरत नहीं, ठीक है जी, बस मुझे ये फॉर्मूला कॉपी करना है, काम करेगा, ठीक है जी, पूरा पूरा फॉर्मूला। चाहे तो इसको और भी ऑटोमेट किया जा सकता है। मान लीजिए कि खाली दो वैल्यू है, अब यहां क्या आना चाहिए, फर्स्ट नेम तो ठीक ठाक निकालना है, मिडल नेम की जरूरत नहीं है, यहां हमें लास्ट की नेम चाहिए। तो एरर के लिए मैंने कल आपको बताया था इफ एरर का फॉर्मूला, तो अगर यहां कोई एरर आती है तो इफ एरर का फॉर्मूला लगा देते हैं और लास्ट में क्या लगा देते हैं, ब्लैंक, ठीक है जी, यहां की तो एरर खत्म हो गई। दूसरा इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, राइट माइनस फर्स्ट स्पेस वाला, ठीक है जी, तो इसके इफ एरर में लगा देंगे, इफ एरर में कि एरर आए तो क्या करना है, तो वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम पूरा, राइट, ये टेक्स्ट है, कितने कैरेक्टर लेने हैं, लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस, विद इन टेक्स्ट कितना, ठीक है जी, ये फॉर्मूला बन गया मेरा। इफ एरर से मैंने एक और बना दिया, अब मैं इसमें दो डालूं तीन डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लेट सपोज कि एक ही आती है, अगर मैं ये तीनों फॉर्मूले कॉपी करता हूं, अब क्या दे रहा है, अब एरर दे रहा है। अब क्या करना है कि अगर इसमें एरर आ जाए पहले वाले में, तो मतलब उसमें स्पेस है नहीं, तो क्या करना है, इफ एरर आ जाए तो डायरेक्ट डायरेक्ट यही आप दिखा दीजिए, यहां तो एरर आने से रहा, इधर एरर आ रहा है तो एक और इफ एरर लगा देंगे, इफ एरर के ऊपर एक और इफ एरर, यहां पे ब्लैंक कर दिया, ठीक है जी। तो अब यहां से मेरा फॉर्मूला पूरा हो गया, तो मैं नीचे तक खींच देता हूं, ठीक है जी। अब इसमें चाहे मैं सिंगल सिंगल डालूं, वो सही लेगा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये टेक्स्ट के फॉर्मूले आप जैसा मर्जी वैसा घुमा सकते हैं इनको, बाकी आगे देखते हैं इसमें। अब जरा केस की बात करते हैं, जैसे आपको कई बार क्या होता है कि केस चेंज करने पड़ते हैं, अपर केस, लोअर केस, मिडल केस, इस तरह से कुछ केस चेंज करने पड़ते हैं, तो अगर इसको आपको लोअर केस में करना है तो लोअर का फॉर्मूला है, लोअर केस में हो गया, अपर केस में किसी को चेंज करना है तो अपर का फॉर्मूला होगा। अब लोअर केस में क्या है, प्रॉपर में करना है तो प्रॉपर का फॉर्मूला है, मतलब टाइटल केस में तो प्रॉपर का फॉर्मूला है। तो तीन फॉर्मूले हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर, टेक्स्ट की प्रोसेसिंग के लिए, केस प्रोसेसिंग के लिए,
क्या करते हैं, एक हमारे पास फिक्स का फॉर्मूला है, जैसे हमने डॉलर किया था, डॉलर का फॉर्मूला लगाया था, इसमें डेसिमल नंबर दिए थे तो ये डॉलर में कर दिया। फिक्स क्या करता है, फिक्स भी आपके जो नंबर को है डेसिमल में ही कन्वर्ट करता है। डेसिमल कितने चाहिए, 3 डेसिमल चाहिए, कॉमा चाहिए नहीं चाहिए, फिक्स का वैसे कोई खास यूज नहीं है, बस नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और कुछ नहीं करता। जिस तरह से हमने फाइंड किया था, अब हमने जैसे इसमें फाइंड किया था तो ये ए तो हम फाइंड कर पा रहे थे, पर इसी तरह से क्या था, जब ये कैपिटल में था तो एक प्रॉब्लम देखी थी, ये एरर दे रहा था, ए तो है पर केस अलग है, तो फाइंड का जो फॉर्मूला है वो केस सेंसिटिव है। तो अगर आपको केस सेंसिटिव नहीं चाहिए तो आप सर्च का यूज कर सकते हैं। सेम है प्रोसीजर, पर ये केस सेंसिटिव नहीं है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं है और जो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है। फाइंड और सर्च दो ऑप्शन है। देन हमारे पास क्या है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला है, कोई टेक्स्ट अगर इसमें से हम बदलना चाहें तो, जैसे पहला टेक्स्ट क्या है ये दे दिया हमने, मान लीजिए ई को बदलना है, ई है इसके अंदर और ई को हमने बना दिया ए, ए से बदलना चाह रहे हैं, तो ये बदल दिया। मान लीजिए यहां 2 बार ई है तो ये दोनों को बदल रहा है। यहां पे अगला जो ऑप्शन है इंस्टेंस नंबर, अगर मैं फर्स्ट दूं तो खाली पहला बदलेगा, सेकेंड दू तो सेकेंड वाला बदलेगा, और कुछ ना दू तो सारे बदल देगा। ठीक है जी, ये समझ में आया। ई को मैंने ए से रिप्लेस किया है, अगर आप इंस्टेंस नंबर दे देंगे, इंस्टेंस नंबर का मतलब है कि जितनी बार कौन सी बार वो रिपीट हो रहा है वो वाला चेंज हो, अगर मैं एक देता हूं तो पहली बार जहां ई आएगा वहीं चेंज करेगा, दूसरी जगह नहीं करेगा। अगर आप इंस्टेंस नंबर नहीं देते हैं तो ये सारा चेंज कर देगा। इसी तरह से आपका सब्स्टिट्यूट का फंक्शन है, नहीं सब्स्टिट्यूट मैंने बताया, रिप्लेस का फंक्शन है, ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर मैंने बोला 2, कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं मैंने बोला 1, किससे चेंज करने हैं मैंने बोला ए से करने हैं, तो इसमें न्यूमेरिक कैलकुलेशंस में काम होता है, है सेम, पर दोनों का प्रोसीजर अलग अलग है। ये आपका स्टार्ट नंबर इंडेक्स पोजीशन पे काम करता है, कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं उतने कैरेक्टर, अगर मैं 2 कैरेक्टर ले लेता हूं तो ए ई और एल की जगह पे ये लगा देगा जो लगाना है ए। ठीक है जी, 1 देता हूं तो खाली ई को छेड़ेगा, तो तरीका अलग अलग है, काम सेम करते हैं ये भी, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। देन हमारे पास एक कई बार क्या होता है, आपके पास नंबर और टेक्स्ट
एक ही साथ होते हैं। तो जब आपको टेक्स्ट अलग करना हो तो एक टी फंक्शन है शिफ्ट की, यहाँ पे फंक्शन लगा के ड्रैग करेंगे तो खाली टेक्स्ट टेक्स्ट इधर कर देगा, नंबर छोड़ देगा। और नंबर चाहेंगे तो एन का फंक्शन है, सिर्फ एन, जहाँ नंबर होगा वहां नंबर, जहाँ टेक्स्ट होगा वहां जीरो, जहाँ नंबर होगा नंबर, जहाँ कुछ नहीं होगा वहां जीरो दे देगा, मतलब टेक्स्ट होगा तो जीरो दे देगा। अगर आपको ये मान लीजिए जीरो डिस्टर्ब कर रहा है तो इसके आगे एक इफ का फंक्शन लगा दीजिए और इस पर लिख दिया अगर इक्वल टू जीरो देन क्या दे दे, ब्लैंक कर दे, अदरवाइज वही एन का फंक्शन कंटिन्यू कर दीजिए, तो ये आप जिस तरह से चाह रहे हैं वैसा काम करेगा। ठीक है जी, नंबर अलग टेक्स्ट अलग। कई बार क्या होता है कि हमारे जब भी कोई पीआरपी वगैरह से लिस्ट आती है तो जैसे बीच में स्पेस आ गया, एक स्पेस आ गया, कभी आगे आ गया, आगे स्पेस आ गया, कई बार हमारी स्ट्रिंग इस वजह से खराब हो जाती है, मैच नहीं होता, क्योंकि यहाँ स्पेस है। तो इस तरह के ब्लैंक स्पेसेस आगे या पीछे जब भी हो, इनको अगर डिलीट करना हो तो ट्रिम का फंक्शन होता है, आगे पीछे से ब्लैंक स्पेस रिमूव कर देगा। लेंथ चेक कर लेते हैं, इधर 9 है और इधर 7 है, तो ये स्पेस गायब हो गया, इसके आगे जो लगे ट्रिम का फंक्शन। बाकी हमने कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, उसके अंदर जो जो भी हमने काम किया था। चलिए, अगर दीदी अगर इसमें मान लीजिए 1 साल के अंदर, हाँ जी, 1 साल के अंदर ही अगर अल्फा न्यूमरिक हो तो भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, अल्फा एक सेल के अंदर अलग अलग नहीं कर सकते, एक सेल के चलिए अंदर, अल्फा का भी। हाँ, एक सेल के अंदर अगर काम करवाना है तो बीबीए में होगा, और नहीं अच्छा, तो, बस सर वही हाँ, ठीक। नहीं तो एरे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, बन तो जाएगा, एरे फॉर्मूला बनेगा। ठीक ठीक है जी, थैंक यू। है, और बाकी एक और चीज करा रहा था मैं, तो हमने टेक्स्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या किया था हमने, कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ी थी, तो ये जितने भी कोड्स वगैरह हम लगाते हैं इधर, ये सब हम टेक्स्ट के फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लीजिए आज की डेट है ये, अब इसको मुझे अलग फॉर्मेट में चाहिए, तो आप टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा के इसमें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और फॉर्मेट टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में वो फॉर्मेट दे सकते हैं जिसमें आपको चाहिए। जैसे मुझे चाहिए DD MMM YY में, तो इस तरह से मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला दे दूंगा और मुझे मिल जाएगा। कस्टम फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि वैल्यू वही रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस खाली विजिबिलिटी चेंज हो जाती है, पर टेक्स्ट क्या करता है उस वैल्यू को ही चेंज कर देता है। आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, एज ए टेक्स्ट रहेगा ये। ठीक है जी, तो ये एक्चुअल में वैल्यू चेंज कर देता है। क्योंकि तो हमने लास्ट टाइम उसमें किया था, हमारे पास कुछ चेक नंबर थे, अब कुछ तो ऐसे थे, तो अब इसमें मैंने बोला था कि अगर गलती से ये यहां से कन्वर्ट टू नंबर हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें हमने बताया था कि इसमें आप सिर्फ 0 डाल दीजिए,
तो इसमें आ तो रहे हैं नंबर पर खाली, इसको जब भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये मतलब आपको दिखा वो नहीं करेगा, ये जहां भी पेस्ट करेंगे आप। ये मतलब फॉर्मेट उड़ जाने के बाद वो वैल्यू ऐसी पेस्ट होगी। तो अगर आपको ऐसी एक्चुअल वैल्यू चाहिए किस तरह से है तो कस्टम फॉर्मेटिंग नहीं लगाते हैं इसमें, इसमें टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है जी, और इसको जब पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे तो आपको एक्चुअल वैल्यूज यही मिल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेंगे जिसने भी वो जीरो लगानी है। हाँ जी हाँ जी, सब कुछ सेम रहेगा सर, एवरीथिंग सेम रहेगी इसके अंदर। बस फर्क ये है कि आपकी ये जो होता है कस्टम फॉर्मेटिंग विजिबिलिटी चेंज करता है, वैल्यू नहीं चेंज करता। टेक्स्ट का फॉर्मूला आपकी वैल्यू चेंज करके दे देगा आपको, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका टेक्स्ट फंक्शन, मेरे ख्याल से इसमें सारे ही हो गए। दूसरा कभी कभी क्या होता है कि जैसे इस तरह से आपको टेक्स्ट में मिल गई, आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो एक वैल्यू का फॉर्मूला है, तो ये टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है जी, वैल्यू का फॉर्मूला। तो ये थे आपके टेक्स्ट फॉर्मूले। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।